चीन में इस बार बड़ा कपास उत्पादन। दरअसल चीनी राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो द्वारा 26 दिसंबर को जारी आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष चीन का कपास उत्पादन 59,70,000 टन रहा है, जिसमें पिछले साल से 4.3% की बढ़ोतरी हुई है। आंकड़ों के अनुसार शिनचियांग प्रांत में कपास का उत्पादन 53,91,000 टन रहा है, जिसमें पिछले वर्ष से 5.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। यह राष्ट्रीय कुल का 90.2% हिस्सा है और पिछले वर्ष से इसमें 0.7% की तेजी आई है। चीनी राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के ग्रामीण विभाग के अध्यक्ष वांग किरोंग ने कहा है कि शिनचियांग में समग्र मौसम ठीक है और गर्मी पर्याप्त है, वर्षा उपयुक्त है और कपास की वृद्धि अच्छी है। उधर यांगत्ज़ी नदी बेसिन में कपास क्षेत्र का उत्पादन 239,000 टन रहा है, जो पिछले वर्ष से 2% कम है। पीली नदी बेसिन में भी कपास क्षेत्र का उत्पादन 301,000 टन रहा, जो पिछले साल से 5.6% कम है। उधर देश में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में इस साल अधिक रकबे में कपास की फसल उगाई गई है, लेकिन कपास फसल के दिन ब दिन घटते दामों ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। पिछले एक महीने से कपास के दामों में लगभग 2,000 रुपये प्रति क्विंटल की कमी आ चुकी है। किसानों ने अब फसल को बाजार में बेचने से रोक दिया है। इसकी मुख्य वजह शासन से जीनिंग मिलों पर लगाया जाने वाला कर बताया गया है। जानकारी के अनुसार कपास के खुले बाजार में विदेशी कपास की तुलना में मध्य प्रदेश का कपास महंगा साबित हो रहा है। स्पिनिंग मिल में विदेशी कपास कम दामों में उपलब्ध होने से जिनिंग संचालकों को महंगे टैक्स की वजह से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। कपास व्यापारियों का कहना है कि विदेशी कपास पर सरकार आयात टैक्स बढ़ाए तो स्थानीय जिनिंग संचालकों की मांग बढ़ेगी, जिससे किसानों को अच्छे दाम मिल सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।